याद रखकर जो है क्लास 10 के संस्कृत से और क्लास 10 के संस्कृत से है अलस कथा पाठ से हम जो दो प्रश्न लाए हैं, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। ये दोनों प्रश्न खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, तो अलस कथा जो है ये विद्यापति द्वारा रचित है और कहाँ से लिया गया है, तो यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का अंश है, वहां से लिया गया है। कहाँ से, जो पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का एक अंश है यानी भाग है, वहां से लिया गया है ये अलस कथा। तो हम आखिर जानिए अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, तो इसका आप सटीक आंसर लिखेगा, अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त भाग गए किंतु चारों आलसी घर से नहीं भागी। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर आंसर जो है वन का लिखेंगे, अलसशाला, यहाँ पर लिखिए अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त भाग गए सभी धूर्त भाग गए किंतु चारों आलसी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। बस यही इसका कंप्लीट आंसर है। अगर पूछा जाए अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, तो आप लिखेगा अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त भाग गए किंतु चारों आलसी घर से नहीं भागे। यानी कि अलसशाला में जब आग लगाया गया, अलसशाला में आग लगा नहीं था, लगाया गया, ठीक है, ये जो है आलसियों की परीक्षा थी। तो अलसशाला में जब आग लगा तो जितने भी धूर्त थे यानी बनावटी आलसी थे, लोग बनावटी जो है आलसीपन का जो है बनावट करके मुफ्त का भोजन खाया करते थे, तो जितने भी धूर्त थे वे तो भाग गए, लेकिन जो वास्तव में आलसी थे चार आलसी थे वे घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है, लेकिन जब शोरगुल हुआ तो वे चारों समझ गए कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल वस्त्र या कंबल डाल दे, यानी कि वे लोग का इच्छा था कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आए और आग पर जल डाले या वस्त्र डाले या कंबल डाले जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। यानी कि इतना आलसी थे कि अपनी जो है जान की उसे तनिक चिंता भी नहीं थी, यानी आलसपन के कारण ये भी नहीं देख पाते थे कि उसकी जान खतरे में है। अगला क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। यानी अलसशाला में जब आग लगाया गया तो चारों आलसी जो है किस तरह के वार्तालाप किए, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उत्तर दो
उत्तर दो लिखिए, उत्तर दो, और लिखिए घर घर में आग आग लगने लगने घर में आग लगने पर चारों चारों आलसी पुरुष वहाँ वहाँ लेटे लेटे बात करने लगे, लेटे लेटे बात करने लगे, लेटे लेटे बात करने लगे। पहला आलसी कपड़े से ढके हुए मुख बोला, यानी कपड़ा से ढका हुआ मुख से ही बोला, क्या बोला देखिए, हे हे हे, ये विस्मादी बोधक है, ठीक है, हे हे यह हल्ला क्यों क्यों हो रहा रहा है, ये पहला बोला, यह हल्ला क्यों हो रहा है। आगे लिखिए दूसरे ने कहा, तो दूसरा क्या जवाब दिया देखिए, दूसरे ने कहा मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गई है। मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गई है। अब देखिए तीसरे ने क्या कहा, कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से गीली चटाई से हमें ढक दे। फिर देखिए चौथे ने कहा अरे वाचाल कितनी बात बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ये हो गया चौथा ने कहा। तो यही जो है, ये जो आग लगने पर ये जो वार्तालाप किए थे चारों आलसी, अगर पूछा जाए चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे, तो आप लिखेगा घर में आग लगने पर चारों आलसी पुरुष वहां लेटे लेटे बात करने लगे। यानी कि घर में जब आग लगा तो चारों आलसी जो है भागे नहीं बल्कि लेटे लेटे बात करने लगे। पहला आलसी कपड़े से ढके हुए मुख बोला, यानी कपड़ा से ढका ही मुख से वो बोला, क्या बोला, हे यह हल्ला क्यों हो रहा है, यानी कि यह हल्ला क्यों हो रहा है। दूसरे ने कहा मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गई है, दूसरे ने क्या कहा कि मालूम पड़ रहा है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से गीली चटाई से हमें ढक दे, यानी कि तीसरा ने क्या कहा कि कोई भी धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस समय जल से गीली चटाई से हमें ढक दे। अब देखिए चौथे ने क्या कहा, चौथे ने कहा अरे पाचाल कितनी बात बोलते हो, होगा सॉरी दोस्तों यहाँ पे है लिखा गया, हम बोले हैं हो,
लेकिन है लिखा गया मिस्टेक से हो। अरे बचाल कितनी बात बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। चौथे ने क्या कहा, अरे बचाल कितनी बात बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। इस तरह से चारों जो है आपस में परे परे ही बात कर रहे थे, लेकिन जो है कोई नहीं बाहर निकला। अंत में क्या किया गया, चारों को जो है केस पकड़ के बाहर निकाला गया और उसे आग से बचाया गया। और इस तरह से वह चारों जो है आलसी में जो है आलसी की जो परीक्षा था उसमें पास हुआ, यानी वास्तविक आलसी जो है पकड़ा गया। वही चारों जो है वास्तविक आलसी थे, बाकी धूर्त थे।